बचपन से ही हम लोग अपने घरों में सुनते आए हैं कि भरपूर पानी पीने से स्किन मसल्स और जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं और शरीर से इन्फेक्शन दूर रहते हैं। और ये भी सुनते आए हैं कि अगर सुबह उठकर गर्म पानी पिए तो स्वास्थ्य के लिए और भी अच्छा होता है और बहुत से हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता एग्जैक्टली क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये कोई बताता ही नहीं। स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन क्यों अच्छा होता है ये कोई नहीं बता पाता। लेकिन आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम आपके लिए हम कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे रोज सुबह गर्म पानी पीने से सिर्फ पेट साफ नहीं होता और भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर वन, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने की प्रोसेस जो पानी अकेले ही कंप्लीट कर लेता है। बस पानी इतना गर्म होना चाहिए कि वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर पाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा गर्म पानी पी जाएं और अपना मुंह जला लें। दोस्तों, जब आप गर्म पानी पीते हैं तो थोड़ी देर में ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और आपको पसीने आते हैं। अगर आप रेगुलर गर्म पानी पीते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि पसीने के साथ आपके बॉडी के टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाते हैं और इस प्रोसेस में पोर्स जो स्किन में होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। नंबर दो, वेट लॉस। दोस्तों, ये बात आपने पहले भी सुनी होगी कि गर्म पानी वेट लॉस में हेल्पफुल होता है, लेकिन आज हम आपको इसके सबूत भी देते हैं। 2003 में एक स्टडी में पब्लिश किया गया था जो आज भी US गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में वाटर इनडोर्स थर्मोजेनेसिस के नाम से मिल जाएगा आपको। उनके अकॉर्डिंग ठंडे पानी की जगह गर्म पानी शुरू करने से वेट लॉस की प्रोसेस तेज हो जाती है। इसकी रिसर्च के अनुसार खाना खाने से पहले 500 मिलीमीटर पानी पीने से मेटाबॉलिज्म 30% बढ़ जाता है और गर्म पानी 98.6 डिग्री तक गर्म होना चाहिए। अगर इतना गर्म होता है तो मेटाबॉलिज्म 40% तक बढ़ जाता है। अगर आपको वेट कम करना है तो गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, लेकिन हमारी वीडियो पूरी होने का इंतज़ार कीजिए, अभी और भी बेनिफिट्स बाकी हैं। नंबर थ्री, मसल पेन रिलीफ, मसल पेन की छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, गर्म पानी से आपके मसल पेन की छुट्टी हो जाती है। ये इससे जुड़ी कोई रिसर्च अभी तक नहीं आई है ये साबित कर सके कि हॉग वाटर पेन रिलीफ में काम करता है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस लोगों का मानना है कि जब आप गर्म पानी पीते हैं तो इंजर्ड मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिससे धीरे धीरे मसल पेन से छुटकारा मिल जाता है। इंटरनल पेन को दूर करने का सबसे आसान तरीका है, अगर आपके शरीर में कोई स्वेलिंग है तो गर्म पानी ना पिए, क्योंकि हीट सूजन को और भी बढ़ा सकता है। नंबर फोर, इम्प्रूव डाइजेशन। दोस्तों, डाइजेशन से खाने का गहरा नाता है। इन दोनों का थोड़ा सा स्वाद में ज्यादा खा लिया तो अगले 2-3 दिन तक डाइजेशन खराब रहता है और ये परेशानी बहुत कम उम्र में डाइजेस्टिव सिस्टम को घेर लेती है। लेकिन आपको बता दें कि गर्म पानी आपको इस परेशानी से छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि इस इनडाइजेशन का असली कारण पानी ही है। जब आप उतना पानी नहीं पीते जितना हमारे शरीर को जरूरत है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन खाने के जरिए शरीर के अंदर पहुँचने वाला थोड़ा बहुत पानी साफ कर लेती है, जिससे बॉडी मूवमेंट और भी डिफिकल्ट हो जाता है। लगातार ऐसा होने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या घर कर लेती है और शरीर कई परेशानियों का शिकार हो जाता है। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो रोज सुबह उठकर एक हफ्ते तक लगातार गर्म पानी पिए और इसका असर आप खुद महसूस करेंगे। गर्म पानी फूड को ठंडे पानी के मुकाबले ज्यादा तेजी से तोड़ता है, इसे बबल मूवमेंट रेगुलर हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन से छुटकारा मिल जाता है। नंबर फाइव, कंज्यूमिंग टी एंड कॉफी। दोस्तों, भारत में ज्यादातर लोग चाय पीते हैं। जो लोग डाइटिंग पर होते हैं उनका तो पता नहीं, लेकिन आम भारतीय चाय को बड़ी प्यार से पीते हैं। तो बात रही कॉफी की, कई रिसर्च में आज तक प्रूफ हो चुका है कि कॉफी पीने के कई फायदे हैं, जैसे इन्हें पीने वाले को पार्किंसन नाम की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। साथ ही कुछ तरह के कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, कुछ लीवर डिजीज और हार्ट हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क भी डिक्रीज हो जाता है और इसे पीने से बहुत सारी बीमारियों में आराम मिलता है।
काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी और चाय पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, इसलिए कॉफ़ी और चाय में गर्म पानी मिलाकर ही कंज्यूम करना चाहिए। इसके कई फायदे होते हैं, या फिर कंज्यूम करने से पहले या कुछ देर बाद आप अलग से गर्म पानी पी लीजिए, इससे आप चाय या कॉफ़ी से होने वाले साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोल्ड कॉफ़ी की तरफ ना जाएं, बेहतर है आप कॉफ़ी गर्म ही पिए और गर्म ही चाय पिए। ठंडी चाय, ठंडी कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। पी भी रहे हैं तो गर्म कॉफ़ी पीजिए, ठंडी कॉफ़ी बेशक ना पिए। चाय गर्म ही पिए, ठंडी बिल्कुल भी ना पिए। ठंडी कॉफ़ी और ठंडी चाय पीने से आपको कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आप रोज़ सुबह उठकर गर्म पानी पीते हैं या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।